18वीं लोकसभा के लिए राजस्थान के 21 सांसदों ने ली शपथ। सबसे पहले कुलदीप इंदौरा और आखिर में दुष्यंत सिंह ने ली शपथ। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत राजस्थानी रंग में नजर आए। सीकर सांसद अमरा राम ने इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान के नारे के साथ शपथ लिया। सांसद राजकुमार रोत की ऊंट पर बैठकर संसद जाने की जिद, पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोका। एक्सपर्ट दी थी जानकारी, आदिवासी पहचान और राजस्थान की शान, ऊंट पर बैठकर सुबह 10:30 बजे पहुंचूंगा संसद। कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस का एक्शन शुरू, डोटासरा सहित कई नेताओं पर FIR, कोटा पुलिस को दी थी धमकी। PCC चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री अशोक चांदना, कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल सहित कई कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर 2 मुकदमे दर्ज। कोटा IG को गोविंद सिंह डोटासरा ने दी चेतावनी, कहा भजनलाल शर्मा और ओम बिरला भी नहीं बचा सकेंगे। कानून के मुताबिक काम करो वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी बीडी CBI GDPT कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुम्हारे जुल्मों को सहन करने के लिए नहीं बने हुए। तुम कितनी औकात तुम्हारी कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद होना चाहिए। इंडोली विधायक अशोक चांदना ने दी मदन दिलावर को चेतावनी, किसी दिन आदिवासियों को बीच रास्ते में मिल जाए तो आपका ही DNA चेक कर लेंगे, आपकी तो गाड़ी उड़ाने में भी टाइम नहीं लगेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान, आदिवासी हिंदू और DNA जांच वाले बयान का मामले ने पकड़ा तूल। BJP सांसद मन्नालाल रावत का बयान आया सामने, कहा हिंदू वो है जो भारत माता से प्रेम करता है, इसमें अनावश्यक टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना, प्रदेश भर में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना। 25 जून 2024 को आपातकाल के 49 साल, इस दिन को भाजपा काले दिवस के रूप में मना रही है। मंगलवार को प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों पर होगी विचार संगोष्ठी। 25 जून 1975 में लगा था आपातकाल। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। एक बार फिर स्पीकर का पद संभाल सकते हैं कोटा सांसद ओम बिरला। सूत्रों के मुताबिक आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं बिरला। नामांकन से पहले NDA की बैठक, विपक्ष को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। पेपर लीक पर कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पुनिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही अभिमन्यु पुनिया ने पूर्व CM अशोक गहलोत को भी पेपर लीक पर आड़े हाथों लिया। कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक में सख्त कार्रवाई नहीं की तो जनता ने जवाब दे दिया। CM भजनलाल शर्मा की ऊर्जा मंत्री खट्टर से मुलाकात का असर, राजस्थान को मिलेगी अनावंटित बिजली। ऊर्जा मंत्रालय ने दी मंजूरी, 2 अनावंटित पूल से 200-200 मेगावाट मिलेगी बिजली।